खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। शाम के 6 बजे हैं, हम शिवालय बरवाला खड़े हैं। एक सर्व समाज महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ये किस विषय की पंचायत थी, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ पर बुद्ध जन खड़े हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। किस विषय को लेकर के ये पंचायत थी, पहले तो आपका नाम बताएं जी। आप अश्विनी कुमार। अश्विनी जी बरवाला से ही हैं। अश्विनी जी, किस चीज़ को लेकर के ये पंचायत थी आज? ये मंदिर की जमीन से संबंधित पंचायत थी। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में पूरे गांव समाज के लोगों को इकट्ठा करके। अवैध कब्जा किसके माध्यम से हो रहा है जी? जब यहाँ पर 2011-12 में अवैध तरीके से एक मस्जिद बनवाई गई थी, जिसमें खसरा नंबर 907 में है, जो कि मंदिर की जमीन थी, और अब और आगे इसको कब्जा बढ़ाने की नियत थी, और उस पे मंदिर कमेटी और समाज के लोगों ने रोका और बार बार बातचीत हुई मस्जिद पक्ष से, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसी भी वैधानिक भाईचारे के रास्ते को अपनाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम तो खसरा नंबर 939 जो गांव राम की शिव घाट है उस पर भी हम कब्जा करेंगे, और इस ज़मीन पर भी जो हमने सोच रखी इस पर भी हम अपनी दीवारें लगाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, इस पे हम जरूर करेंगे। जी अश्विनी जी, सर्व समाज की जो पंचायत थी आज क्या निर्णय लेकर के उठी यहाँ से? वो सर्व समाज की पंचायत ने 3 निर्णय लिए हैं। एक, प्राचीन शिवघाट के संरक्षण से विकास और संरक्षण के लिए एक समिति बनाई जाए और उस समिति के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया जाए, और दूसरा निर्णय इस सर्व महापंचायत ने किया है कि भी किसी भी किस तरीके से किसी भी हालत में 1 इंच भी जगह पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, और तीसरा निर्णय है कि खसरा नंबर 907 की निशानदेही करवाकर जो भी खसरा नंबर 907 की जमीन है उसके ऊपर मंदिर की 4 दीवारी निकाली जाएगी। कोई समय सीमा भी तय की है क्या जिसके आज सीमा? ये कमेटी जो है, मंदिर कमेटी, वो बड़ी तेजी से इस काम को करेगी, प्रशासन से मिलकर इसकी निशानदेही का अनुरोध करके, और जल्दी ही पूरे समाज को आज जागरण का कार्य किया है इस सर्व महापंचायत ने। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इस सारे विषय को जय भोले करके और इस सारे प्रस्तावों को पास किया है। उम्मीद है बड़ी शांति के साथ, बड़े समन्वय के साथ, प्रशासन के साथ मेलजोल करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जो मस्जिद पक्ष है वो भी इसमें सद्बुद्धि लेके और जो न्याय की बात है, जो रिकॉर्ड की बात है, उसका पालन करेंगे। जी जी अश्विनी जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्ण जी साथ हैं। बजरंग जी, विषय क्या आया समझ में? ये कुछ लग रहा है भविष्य में जिस चीज को लेकर आज ये पंचायत थी इसका निपटारा भविष्य में होता दिखाई दे रहा है आपको? ये हमेशा ही इनका भाईचारे के नाम पे जमीन हथियाने का काम रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज जाग चुका है, अब हम चारा नहीं बनने का हमारा विचार बिल्कुल भी, अब हम चारा नहीं बनेंगे। तो क्या बनेंगे? जो हमारा हक है उसको लेकर रहेंगे, चाहे सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। नहीं, पंचायत तो का तो काम यही था कि आज सौहार्दपूर्ण तरीके से इस चीज़ का निपटारा हो जाए। पंचायत का काम था, हमने उनको बता दिया कि भी ऐसे ऐसे हमारी ज़मीन है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो भी हैं सबको बता दिया, ताकि कल को हमने कोई ऐसी कार्यवाही करनी पड़े तो कोई हमें को रोके ना, हमारा साथ दे, और हमारा जो हिंदू समाज है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है उसके पास ये विषय गया, ताकि कल को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और उन लोगों को भी ये जानकारी हो चुकी है कि हम अब सहने के मूड में नहीं है। ये बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्ण जी हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि ये विषय एक सर्व समाज में जाए इसके लिए आज इस पंचायत का आयोजन किया गया था। अश्विनी जी हमारे साथ ही हैं बरवाला नगर से, एक प्रबुद्ध जीवी, जिन्होंने बताया है कि आज पंचायत ने 3 निर्णय यहाँ से लेकर के उठे हैं कि वो संरक्षण करेगी, इस अवैध निर्माण को वो रुकवाएंगे, और जल्दी ही मंदिर समिति
मंदिर समिति जल्दी इसका गठन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से इस चीज़ का निपटारा कर लेगी। उनका मानना है कि मस्जिद पक्ष भी इसमें एक न्याय प्रक्रिया में शामिल होकर के जो चीज़ होनी चाहिए उसमें वो सहयोग करेगा।